मैं सबसे पहले एक बार एक जोरदार नारा लगाना है। पहले स्कूल में जब मास्टर नारा लुआया करते कि भारत माता की जय, तो नू बकाया करते बेला नारा इतना जोर का लगना चाहिए कि पाकिस्तान में लाहौर में सुनना चाहिए, लेकिन वो बकाया कर दे लाहौर में कड़े सुने था। लेकिन ईब सोशल मीडिया का जमाना है, जो नारा आड़े लागेगा तो जड़े हम सुनाना चाहेंगे उड़े सुनेगा, चाहे हमने सरकार को सुनाना हो, चाहे हमने जनता को सुनाना हो, चाहे हमने किसी को सुनाना हो, अपनी शक्ति दिखानी हो, तो एक जोरदार जयकारा लगाएंगे सारे भाई, भगवान परशुराम की। तो देखो मैं तो एक छोटा सा कलाकार हूं और बहुत मैं धन्यवाद देना चाहूंगा इस कमेटी का के भाइया ने इस लायक समझा के भाई मैं मेरे को निमंत्रण दिया और सबसे बड़ी बात तो बोलने का मौका मिला। तो गान बजाने का काम है मेरा, तो लेकिन फिर भी दो बात बोलने का मौका मिला है, तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि अगर मेरा समाज पीछे है काफी टाइम से, जब से हमने वो संभाला है, तो मैंने देखा है कि राजनीति में हम बहुत पीछे हैं, तो उसका कारण यह है कि हम संगठित नहीं हैं, हम इकट्ठे नहीं हैं। तो संगठित होकर जहां पे भी अपनी बात आवे, एक बात मैंने देखी है कि जैसे हम बात करें एक जाट समुदाय की बात करा, तो वो वोट करते हैं मुख्यमंत्री के लिए, मुख्यमंत्री के लिए वोट करते हैं, लेकिन मेरा समाज जो है वो वोट करता है कैंडिडेट के लिए, विधायक के लिए, सांसद के लिए, कभी मुख्यमंत्री के लिए वोट नहीं करते हम, क्योंकि हमारे पास है ही नहीं वो चीज। तो वो ताकत दिखानी है, अपने चेहरे बनाने हैं, अपने मुख्यमंत्री का चेहरा हमारा भी हो सके है, सब कुछ हो सके है अगर समाज में एकता और ताकत हो, तो वोट कदे भी करा तो विधायक खातर नहीं करनी। दादा गौतम बना दिया जाटा ने, दादा गौतम नहीं बनाया, दुष्यंत बनाया, ठीक है। अगर किसी को भी देख लो, कुलदीप वत्स बनाया, कुलदीप वत्स नहीं बनाया, भूपेंद्र सिंह हुड्डा को वोट करा। तो ऐसे ही हमने भी अपनी जब भी वोट करनी है, चाहे हमारा आज नंबर लागो, चाहे 24 में लागो, चाहे 29 में लागो, चाहे कद्दे भी लागो, लागेगा नंबर अगर हम अपने इरादों पे मजबूत रहेंगे। तो जब भी वोट करनी है तो मुख्यमंत्री के लिए वोट करनी है, ना कि एमएलए एमपी के एमएलए की। ओ दादा बेचारा रोई जा बोला मेरी चल दिए नहीं, कोई बात नहीं होती एमएलए की आज के दिन। दूसरी बात, हमारा समाज जो पिछड़ा हुआ है, हम ब्याह शादियां में बहुत रुपये ला दे, हाँ फुकरापंथी में ज्यादा पैसा खर्च कर दें, तो पैसे ने उड़े बचाओ, ब्याह शादियां में बचाओ, और जड़े बचाना उड़े बचाओ, और पैसा जो लगाने की जरूरत है, दसवीं क्लास होंगे बच्चे के पास, एक पेरेंट्स के पास इतनी होनी चाहिए कि भाई एक बालक ने कितने बाहर भेज सका 5-4 लाख रुपए कोचिंग, अगर कितने दुआनी पड़ जाए, सूत्री पढ़ाई करानी पड़ जाए, शिक्षा दुआनी पड़ जाए, तो उसमें हमारा समाज बहुत पीछे है। लोग नुकू है कि भाई फलाने के बालक मेडल लिया, फलाने के मेडल लिया, तो भाई वो लगाते हैं पैसा। तो सबसे बड़ी नींव जो है मजबूत, आर्थिक रूप से मजबूत हम जब होंगे, जब हमारी आने वाली पीढ़ी हमारी शिक्षा की तरफ बढ़ेगी, और शिक्षा की तरफ नू नहीं भाई ठीक है बेटे पढ़ ले, ठीक है बेटे पढ़ ले, अरे पढ़िया कर रहे छोरे पढ़िया कर, ये नहीं, पैसा लगाना पड़ेगा, और उस पैसे के लिए हमारे पास एक जमा पूंजी रहनी चाहिए अपनी औलाद के लिए, 2-4-5 लाख रुपया की ऐसी एक जमा पूंजी हमें चाहिए। तो जब हम आर्थिक रूप से मजबूत होंगे, जब हमारे पास रोजगार ज्यादा होंगे, दूसरी बात के बाद तीसरी बात है, बस लास्ट बात मैं कहना चाहूंगा यह है कि सामाजिक रूप से अगर हम जिंदा हैं तो जिंदा नजर आने चाहिए, तो सामाजिक रूप से भी हम पिछड़े हुए हैं, तो वो जो रोब है, जो क्षत्रियता होनी चाहिए भगवान परशुराम वाली, वो भी जरूरी है, नहीं तो लोग फुद्दू मान जाए। तो उस रोब के साथ जियो और अपनी आने वाली पीढ़ी को शिक्षा की तरफ बढ़ाओ, और इन्हीं शब्दों के साथ मैं ये कहना चाहूंगा कि अपने समाज के लिए, और मेरी जहां भी किसी समाज ने, अपने समाज ने जहां भी जरूरत पड़े तो मैं खड़ा हूं। और दूसरी बात,
मृत्यु नु गाया कर दे भाई, गाना बजाना करे, गाना बजाना करे, परमात्मा की दया से गाना बजाने में मैं आज बहुत रुपये कमाऊ। एक बात मैं सबको कहूंगा कि कोई भी बालक किसी भी फील्ड में जाना चाहे उसका पाना खींचो, उसने जान दो, और जिस भी फील्ड में जाना चाहे उसने जान दो। और मेरी फील्ड का अगर कोई भी समाज का बालक है, आधी रात ने मेरे दौर लिया ही हो, मैं उसका हाथ पकड़ के उसने आगे बढ़ाने की कोशिश करूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।